आखिर अखिलेश यादव बरसात के इस मौसम में मॉनसून ऑफर किसकी तरफ उछाल रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने ये समझ लिया है कि इस बार 62 से वो 33 पर क्यों फिसल गए और कैसे 37 पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। सवाल ये भी आज पूछेंगे कि गठबंधन के ही साथी जब आईना लिए घूम रहे हैं कि बुलडोजर चलाओगे तो तुमको वोट कैसे देंगे वो, यही कहने वाले संजय निषाद जी आज हमारे साथ है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तनुज पुनिया जी, सांसद, लोकसभा के जीत कराए हैं बाराबंकी से, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुधींद्र भदौरिया साहब, नेता बीएसपी के हमारे साथ है, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। और संजय निषाद जी तो मैंने आपको बता ही दिया था, डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं यूपी सरकार में और आजकल थोड़ा सा मतलब स्क्रू ड्राइवर लेकर चल रहे हैं, कुछ नट बोल्ट को टाइट करने में लगे हुए हैं। कभी कहते हैं बुलडोजर की बात, कभी कहते हैं कि हाँ ये जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो दिल में हाथी और साइकिल लेकर घूम रहे हैं। चलिए चर्चा उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान के बाद एक साथ कई जगहों पर हलचल हुई, उनकी अपनी पार्टी में भी और विपक्ष में भी। पार्टी ने जो किया सो किया, विपक्ष ने उन्हें ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। देखिए, अखिलेश जी चाहते हैं कि प्रदेश के ऊपर से सांप्रदायिक शक्तियां खत्म होनी चाहिए और सबके साथ इंसाफ मिले और सबको बराबर के मौके मिले। इसीलिए उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि आप 100 विधायक ले आइए, अपनी सरकार बना लिए, और अब क्योंकि मानसून आ रहा है तो वो तो मानसून ऑफर के नाम से उन्होंने लिख दिया, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जो भारत में लोगों के विकास के लिए और भारत राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रही है, वो उनको कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लगता है कुछ चंद लोगों को ये ठेकेदारी बंद कर दी ना इनकी। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास को लेकर चल रहे हैं आगे। हमने 15 साल हो जाएंगे, अब की तीसरी बार सरकार देश में आई है। अखिलेश के ऑफर पर यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल हुए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है, उन्होंने पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को सियासी हैसियत का आईना दिखाया है। इस बार अखिलेश के ऑफर पर एक बार फिर सियासत तेज है। करीब 24 घंटे बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। जो इलेक्शन हुए हैं और फिर अभी जो इलेक्शन हुए हैं 13 सीटों पर, उससे जनता की ऑफर है जनता द्वारा, और वो तो एक जनता के लीडर, तो एक जनता के अगले जी, तो एक जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जनता की ऑफर है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ योगी जी सीएम रहेंगे या उनको हटाने की कोशिश नहीं हो रही है। वो एक जनता की ऑफर जनता के लिए है कि जनता जिसको चाहे जब चाहे वो ताज पहनाती है, जब चाहे ताज उतार लेती है। अगर उनको लगता है कि इस तरह की फुटकर हार से उनके और उस पर हाहाकार से उनके सपनों की सल्तनत का सपना साकार होगा तो वो गलतफहमी है उनको। दूसरी चीज ये कि कोई इस तरह के उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार देखे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 29 सीटें गंवाने के बाद बीजेपी में हड़कंप है और उसके संकेत बाहर भी आ रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठक पर बैठके हुई है, मंथन हुआ है, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, 90 साल से बैठा हुआ आदमी, वो गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। कुछ न कुछ ऐसे मैंने बहुत पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा वाले, ऊपर से कमल बन जाते हैं और मौका पाने को डसने लगते। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब लखनऊ में जो बैठक होने वाली है उसमें समन्वय हो सकता है।
यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद समीक्षा खत्म हो गई, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो गई और जिसमें दो अलग अलग सुर उभर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच। उसके बाद समीक्षा रिपोर्ट दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष ने सौंप भी दिया, प्रधानमंत्री तक को ये समीक्षा रिपोर्ट सौंपी गई और उसमें कई ऐसे बिंदु बताए गए जो सीधा सवाल सरकार पर भी खड़ा करते हैं। लखनऊ में दो दिन की समन्वय बैठक, संघ के सह सरकारीवाह संघ बैठक, सीएम डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन महामंत्री बैठक में रहेंगे। संघ के सह सरकारीवाह और बीजेपी से समन्वय के प्रभारी अरुण कुमार के साथ होने जा रही बैठक की पुष्टि बीजेपी ने तो नहीं की है, लेकिन जिस तरह सीएम योगी का प्रस्तावित वाराणसी दौरा टला, केशव प्रसाद मौर्य का प्रस्तावित प्रयागराज दौरा टला, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये बैठक अहम होने वाली है। आज तक ब्यूरो।